लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर एनटीआर के सर्वे किए तो उसमें वोटरों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। सर्वे के मुताबिक पंजाब में 80% मतदाता पार्टियां या प्रत्याशियों की ओर से नगद उपहार या शराब पर प्रलोभन दिए जाने को पूरी तरह से गलत मानते हैं, लेकिन 17% मतदाता ऐसे भी हैं जो इस तरह के लालच को जरूरी ही नहीं समझते, बल्कि किसी विशेष प्रत्याशी को वोट देने के लिए महत्वपूर्ण कारण भी मानते हैं। ये बात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म ADR और RA द्वारा कराए गए मतदाता सर्वेक्षण में सामने आए हैं। सर्वेक्षण में ये बात भी सामने आई कि राज्य सरकार मतदाताओं की प्राथमिकता पर ध्यान नहीं दे सकी और इस मुद्दे पर सरकार का प्रदर्शन कहीं खराब तो कहीं बहुत कमजोर आंका गया। सर्वे के तहत पंजाब की सभी 13 संसदीय सीटों पर विभिन्न आयु, धर्म, जाति, लिंग और शहरी ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 6,500 मतदाताओं से चुनाव संबंधित मुद्दों पर सवाल किए गए। इस सर्वेक्षण में जहां मतदाताओं को शासन के मुद्दे पर सवाल किए गए, वहीं मतदाताओं के वोट डालने के प्रति व्यवहार का आकलन भी किया गया। 75% पुरुष और 25% महिलाओं के बीच किया गया, जिसमें 66% मतदाता सामान्य वर्ग से, 33% SC और 1% OBC वर्ग से थे। नकदी शराब और उपहार को महत्वपूर्ण कारक मानने वाले मतदाताओं में से 6% तो इन्हें अति महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि 11% ने उन्हें केवल महत्वपूर्ण ही कहा है। 52% मतदाताओं का दावा है कि उन्हें ऐसी घटनाओं की जानकारी जहां मतदाताओं को वोट देने के बदले उप प्रलोभन दिए जाते हैं, यानी पंजाब में वोटरों को शराब, नकदी या उपहार जैसे प्रलोभन देने वाली बातें आम बातें हैं। इसके विपरीत 58% मतदाता का ये भी मत है कि संसदीय राज्य विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी होने नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे प्रत्याशियों को वोट देने वाले 54% मतदाता इसलिए उन्हें वोट देते हैं क्योंकि वे प्रत्याशी उनके जाति या धर्म से जुड़े होते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को 37% लोग इसलिए वोट करते हैं क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि 35% लोग ये सोचकर वोट देते हैं कि प्रत्याशी पर लगे अपराध के आरोप गंभीर प्रवृत्ति के नहीं हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।